हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जा होंगे, खुश होंगे, आबाद हों। तो मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है पाकिस्तानी बसेस वर्सेस इंडियन बसेस कंपैरिजन 2021 अनबेस्ट बाय मिस्टर कामरान। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वजाहत, पाकिस्तानी बसें तो मैंने देखी हुई है। तो इंडिया बस मैंने नहीं देखी हुई। ये मुझे देख ही पता चलेगा आया इंडिया बस अच्छी है पाकिस्तानी। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तानी बसेस तो जाहिर बात हमारा रोज का देखना बना रहता है, रोड से गुजरती है, वही ना अंदर बैठे हुए। तो अभी देखते हैं इन इंडिया की बसेस और पाकिस्तानी बसेस का क्या कंपैरिजन बनता है। तो 3-2-1 एंड स्टार्ट। डिस्क्लेमर। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडिया की बस सर्विसेज को पाकिस्तान की बस सर्विसेज के साथ। अच्छा, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लाजमी देखेंगे, वो तो जहरी बात है, देखेंगे। सब्सक्राइब करें, तभी तो पता लगेगा कौन सी बात अच्छी है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पाकिस्तान में 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2,60,000 टोटल बसेस ऑपरेट कर रही हैं। अच्छा, डेली पाकिस्तान में 7 मिलियन पैसेंजर्स एक दिन में इन बसेस के जरिए सफर करते हैं। अच्छी है। पाकिस्तान में पहली बस सर्विस 1947 में स्टार्ट की गई थी। पाकिस्तान में 650 टोटल बस सर्विस कंपनीज हैं। पाकिस्तान में 1000 प्लस टोटल बस स्टेशन हैं। और पाकिस्तान में ट्रैवल बाय बस रेशो 33%। अच्छा, यानी 100 में से 33% लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 17,50,000 टोटल बसेस ऑपरेट कर रही हैं। बहुत ज्यादा है यार। और इंडिया में 90 मिलियन पैसेंजर्स रोजाना बसेस के जरिए अपना सफर करते हैं। 9 करोड़। इंडिया में पहली बस सर्विस 1927 में शुरू की गई। इधर भी कंपैरिजन नहीं बन रहा। इंडिया में 2000 से ज्यादा प्राइवेट बस सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं। ज्यादा है यार, प्राइवेट कंपनी प्लस टोटल बस स्टेशन हैं। अच्छा, और इंडिया में ट्रैवल बाय बस रेशो 19% है। ये कम क्यों है, वहाँ पे लोग ज्यादा लगता है ट्रेन ही यूज करते हैं। पाकिस्तान में बसेस को मैन्युफैक्चर करने का कोई भी प्लांट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली बसेस को चाइना और जापान से इम्पोर्ट किया जाता है, अपना नहीं बनाते। अगर बात की जाए पाकिस्तान में गवर्नमेंट बस सर्विसेज की, तो पाकिस्तान की बड़ी सिटीज में पंजाब मेट्रो बस सर्विस, पिशावर बीआरटी और पंजाब स्पीड ओ बस सर्विसेज अवेलेबल हैं। इंडिया में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर बसेज इंडियन कंपनीज की ही होती है। अच्छा, इंडिया में ही बनाई जाती है और मेड इन इंडिया ही बना रहा है। इसके अलावा इंडिया जापान और यूरोप से भी बसेस को इंपोर्ट करता है। वो तो हर कोई कर रहा है। इंपोर्ट भी करता है। इंडिया की कुछ कंपनीज कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक बसेस पे भी रिसर्च कर रही हैं, इलेक्ट्रिक बस, ताकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक बसेस भी इंडिया में बनाई जाए, इंडिया में खुद ही बनाए। इसके अलावा अगर बात की जाए इंडिया में गवर्नमेंट बसेस की, तो इंडिया की हर स्टेट में उस स्टेट का स्टेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट करता अच्छा। है। अच्छा, सुबह अपना खुद का कर रहा है। 2019 में बहुत सी ओल्ड गवर्नमेंट बसेस को नई जीरो इमिशन बसेस से रिप्लेस किया गया है। अच्छा, ये देखिए बसें काफी प्यारी थी। क्लासेस इन पाकिस्तान। नंबर 1, इकोनॉमी क्लास, नॉर्मल। नंबर 2, स्लीपर क्लास। अरे यार, ये स्लीपर बसेस बहुत मजा देती हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास। नंबर 4, बिजनेस क्लास। मैंने बिजनेस क्लास में किया था, बहुत कमाल। गोल्ड क्लास, सुपर लग्जरी क्लास। 6, लग्जरी क्लास। ओ यार, इसमें मतलब वॉशरूम, किचन, हर एक चीज बस के अंदर मिलती है। 7, पिज्जा बर्गर जो खाएंगे खाना मिलेगा। ये तो इसका किराया भी है, डबल ही होगा। लाहौर से इस्लामाबाद 6,000 इन इंडिया। नंबर 1, लोकल क्लास, सर जो लोकल बस है। नंबर 2, सेमी डिलक्स, अच्छी है यार ये तो, सीटिंग की कितनी कंफर्टेबल बनी है। सुपर डिलक्स, कमाल है यार, अच्छी है। नंबर 4, स्लीपर बस, अच्छा स्लीपर है ना, चीज सहूलत है। नंबर 5, लग्जरी क्लास, फोम वाली सीटें काफी वो लग रही, कंफर्टेबल। टॉप 10 प्राइवेट बस सर्विसेज कंपनीज इन पाकिस्तान। अच्छा, नंबर 1, स्काईवेज।
ये सबसे टॉप पे है, इधर ना पाकिस्तान में नियाजी एक्सप्रेस। नियाजी एक्सप्रेस बिल्कुल इस पे ट्रैवल किया हम दोनों ने। थ्री डेवो एक्सप्रेस, डेवो पे मैंने किया है। नंबर फोर क्यू कनेक्ट, क्यू कनेक्ट पे मैंने नहीं किया, ये वही है लग्जरी वाली जो वॉशरूम किचन सब कुछ अंदर। फैसल मूवर, फैसल मूवर्स पे हमने किया हुआ है। नंबर सिक्स न्यू खान, ये नहीं किया हुआ, ये भी अच्छी। शाहिद कोच। नंबर एट आईटीसी क्रूजर, ये देखो भाई बस। नंबर नाइन सानिया, हर चीज है हाँ, वाईफाई वगैरह सब कुछ है। नंबर टेन कोहिस्तान एक्सप्रेस, वालों की अच्छी, इनकी भी अच्छी सर्विसेज हैं बहुत। टॉप 10 प्राइवेट बस सर्विसेज कंपनीज इन इंडिया, अच्छा अब इंडिया का यार। नंबर वन कमाल लग रही है यार, जबरदस्त बस है भैया। नंबर टू VRL ट्रैवल्स, VRL ट्रैवल्स नहीं यार, बसें तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं इंडिया की। SRS ट्रैवल्स। नंबर फोर प्रासना ट्रैवल्स, जिसका कलर कितना प्यारा है, बहुत पापा लग रही है प्यारी ना। नंबर फाइव ऑरेंज ट्रैवल्स, नहीं यार बसें प्यारी हैं बहुत, इंडिया के पीछे नहीं है। क्लाडा ट्रैवल्स, ओ बिल्कुल ऐसी है कि बंदा हैरान रह जाएगा। जब्बार ट्रैवल्स, अच्छा जब्बार ट्रैवल्स इंडिया की बहुत प्यारी बस है हां ना, ये देखें जेपीआर ट्रैवल्स पे आए थे, मर्सिडीज है इनकी हां, मर्सिडीज की कंपनी की भी यूज कर रहे हो, ये तो सुपर लग्जरी होती है। नीता ट्रैवल्स, नीता ट्रैवल की भी अच्छी बस है ना। नंबर 10 हंस ट्रैवल्स, ओ ये बस बहुत हार्ड है यार, इसमें हर चीज होगी, हर चीज होगी इसमें। तो ये था आज का इन दोनों कंट्रीज की बसेस का कंपैरिजन। तो इधर ये वीडियो खत्म, मिस्टर कमरान का वीडियो था, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनके चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब आते हैं अपने रिव्यू पे। तो बाबा मुझे तो अंदाजा लगाए कि तो बसों की तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो हमसे बेहतर है। जहरी बात बाबा, इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही हमसे बेहतर, मतलब क्या ट्रेन क्या जहाज क्या बसें सब चीजों में ट्रेनें आगे हैं, सब कुछ आगे है। असल में ऐसा है ना भैया, इंडिया खुद बना रहा है सब चीजें, खुद मुल्क में बसें बाहर बोर्ड भी कर रहा है, अब अपने मुल्क को भी दे रहा है। आप लगाने था पिछले दिनों काबुल को भी दिए बसें, अफगानिस्तान को बिल्कुल, और इंडिया में मतलब के काफी ज्यादा बसेस को भी लोग यूज कर रहे हैं, तकरीबन 9 करोड़ लोग का लोग यूज कर रहे हैं, जिस तरह इस वीडियो में बताया जा रहा था बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब ज्यादातर यहाँ पे 33% लोग यूज करते हैं, यहाँ पे ज्यादा रुझान बसों का, बस कहते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे परेशान छोटा, लेकिन इंडिया में ज्यादा सफर लोग ट्रेनों पे करते हैं। सही बात बोली है तुमने, इंडिया में ट्रेनों पे ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि ट्रेन के टिकट सस्ते हैं बिल्कुल, हर चीज के सस्ते हैं, लेकिन ट्रेनों पे एक अलग ही मजा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टाइम से पहुंचती हैं, उनमें भी इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी उनको फैसिलिटीज देते हैं। नहीं इंडिया में भी बसों में जो सहूलते हैं वो काफी अच्छी है, कितनी कम्फर्टेबल लग रही है, अच्छी बस है बिल्कुल, पाकिस्तान से बहुत बेहतरीन, क्योंकि उनकी बस सर्विस जो है ना खुद वो बना रहे हैं, सही कहा, ना कोई चीज इंजन बाहर से मंगाते हैं, सब कुछ खुद बनाते हैं, बना रहे हैं। और इतनी कमाल की मर्सिडीज वर्सिडीज की भी बसें बीच में थी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत थी। इंडिया में भी स्लीपर क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, सारा कुछ बिल्कुल, सारा बहुत सिस्टम था बिल्कुल। सही बोल रहे वजह, मसला ऐसा है ना वजह, हमारी जो आबादी है बहुत कम है, इंडिया की आबादी है ज्यादा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वहाँ की आबादी, इसमें कोई शक की बात नहीं, तब ज्यादा वो ट्रेनों में और बसों में सफर करते हैं। सही कहा, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक मैं एग्री करता हूँ। और यार इसमें साफ कंपैरिजन ही बन रहा था, इसमें अगर देखा भी जाए तो इंडिया सबसे आगे इंटरेक्ट करा था इसमें, हमारी सर्विसेज थी अच्छी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंडिया की भी बहुत कमाल की बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।